अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहस्राणं। वज्रदंत चक्रवर्ती हुए हैं और वज्रदंत चक्रवर्ती उनको जब दीक्षा का विचार आया तो वो अपना पूरा राज्यपाट अपने पुत्रों को दे करके और फिर स्वयं दीक्षा लेने का मतलब दीक्षा लेने के लिए जाने का उन्होंने विचार बनाया। तो उस समय उनकी और उनके पुत्रों की क्या चर्चा हुई है वो इस 12वीं मासा में बताया गया है। तो बहुत अच्छा है, हम पढ़ेंगे। समझाने का तो नहीं रहेगा, इतना के लिए पढ़ने का रहेगा। आप धीरे पढ़ेंगे, स्पीड कम रहेगी, तो हम धीरे धीरे समझ मतलब अपने आप स्वयं समझते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। बंधु में जिनंद परमानंद के कंद जग बंद विमलेंदु जड़ ताप हरण को इंद्र धरण इंद्र गौतम आदिक गणेंद्र जाहि सेवे राव रंक भव सागर तरण को। निर्बंध तीन बंधु तया सिंधु करें उपदेश परमारथ करण को। गावे नैन सुखदास वज्रदंत बारे मास मैटो भगवंत मेरे जन्म मरण को। वज्रदंत चक्रेश की कथा सुनो मन लाए कर्म काट शिवपुर गए बारह भावन भाए। बैठे वज्रदंत आए अपनी सभा लगाए ताते पास बैठे राय 32,000 हैं। इंद्र कैसे भोग सार प्राणी छाण वे हजार पुत्र एक सहस्र महान गुणगार है। जाके पुण्य प्रचंड से नए हैं बलवंत शत्रु हाथ जोड़ मान छोड़ सबे दरबार है। ऐसो काल पाए माली लायो एक डाली ता में देखो अली अंबुज मरण भय कार है। अहो यह भोग महा पाप कु संयोग देखो डाली में कमल ता में भोरा प्राण हरे है। नासिका के हेतु भयो भोग में अचेत सारी रहने के कलाप में विलाप इन करे है। हम तो पांचों ही के भोगी भय जोगी नाही विषय कसायनी के जाल माही परे है। जो ना अब हित करूं जाने कौन गति परूं सुतन बुला के यो वचन अनुसरे है। अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीत भई है उदासी वनवास अनुसरेंगे। राजभार शीश धरो पर जाका हित करो हम कर्म शत्रुन की फौजन सुलरेंगे। सुनत वचन तब कहत कुमार सब हम तो गाल को ना अंगीकार करेंगे। आप बुरो जान छोड़ो हमें जग जाल बोलो तुम रे ही संग महाव्रत हम धरेंगे। तुम रे ही संग महाव्रत हम धरेंगे। ये वाला जो छंद था इसमें पूरी बात आ गई। उनको पिछले छंद में किस प्रकार से वैराग हुआ, वैराग होने के बाद उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, पुत्रों को बताया कि भाई ऐसी जगत की रीति से हमको तो उदासी हुई, हम तो मुनि दीक्षा धारण करेंगे और आप लोग राज्य भार को स्वीकार करो और हम तो शत्रु कर्म शत्रु की फौज से लड़ेंगे। तो लोग वहां पे उनके पुत्र क्या बोलते हैं कि भाई सुनत वचन तब कहे तो कुमार सब
हम तो उगाल को ना अंगीकार करेंगे, किसी की छोड़ी हुई चीज को हम अंगीकार नहीं करेंगे। आप उसे बुरा जान के छोड़ रहे हो और हमको अंगीकार करने को कह रहे हो। हम तो आपके ही संग महाव्रत धरेंगे, तुम्हारे ही संग हम महाव्रत धरेंगे। देखो अब ये बात हुई, अब समझना। अब 12 मास क्या होता है, जहाँ पे पूरे 12 महीनों का चित्रण होता है, तो 12 मास धीरे धीरे प्रारंभ होने वाला है। देखो सुत आषाढ़ आयु पावस काल, सिर पर गरजत यम विकराल, लेहु राज सुख करहु बीनती, हम बन जाए बड़ी न कीर्ति। हम तो बड़ों की रीति अपना करके वन में जाएंगे। जाए तप के हेतु वन को, भोग तज संयम धरे, तज ग्रंथ सब निर्ग्रंथ हो, संसार सागर से तरे, यही हमारे मन बसी, तुम रहो धीरज धार के, कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार के, पिता राज तुम की नौबौन, ताहि ग्रहण हम समरथ कौन, यह भोरा भोगन की व्यथा, प्रगट करत कर कंकन यथा, यथा कर का कांगना, सन्मुख प्रकट नजरा परे, त्यों ही पिता भौरा ने रखी, भव भोग से मन थर हरे, तुमने तो वन के वास ही को सुख अंगीकृत किया, तुमरी समझ सोई समझो हमरी, हमें नृप पद क्यों दिया। दो ये दो लाइन बहुत बार आएंगी, जब पुत्र बोलेंगे तो वो बोलेंगे तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नृपत क्यों दिया, और जब पिता बोलेंगे, चक्रवर्ती बोलेंगे, तो वो बोलेंगे कुल आपने की रीति चालू राजनीति विचार के, क्या कि भाई अपने कुल की तो ये रीति है, पहले राज्य करो और फिर उसके बाद उन सब को छोड़ के फिर संयम भाव को धारण करो, मतलब वो सब छोड़ने के बाद फिर संयम भाव को धारण करो। तो ये थोड़ी दोनों पिता और पुत्र में चर्चा चल रही है, वो भी एक पुत्र नहीं, जितने भी 60,000 पुत्र या 1,000 पुत्र ऊपर आया था, उन सभी पुत्रों के साथ ये चर्चा चल रही है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब श्रावण के महीने की बात चालू हो रही है। ठीक है, श्रावण का महीना चालू होगा और वहां पे अब पुत्र पिता बताएंगे कि श्रावण के महीने में ऐसी ऐसी स्थिति होगी और ये होगा ये होगा। देखो श्रावण पुत्र कठिन वनवास, जल थल शीत पवन के त्रास, जो नहीं पले साधु आचार, तो मुनि भेष लजावे सार, लाजे लाजे से मुनि भेष ताते, देह को साधन करो सम्यक्त युत व्रत पंच में, तुम देश व्रत मन में धरो, हिंसा असत चोरी परिग्रह, ब्रह्मचर्य सुधार के, कुल आपने की रीति चालो राजनीति विचार के, पिता अंग यह हमरो नाही, भूख प्यास पुद्गल पर छाई, पाए परिसे कबहु नहीं भजे, धर सन्यास मरण तन तजे, सन्यास धर तन को तजे नहीं, दंश मस्तक से डरे, रहे नग्न तन वन खंड में, जहां मेघ मूसल जल परे, तुम धन्य हो बड़ भाग तज के, राज तप उद्यम किया, तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नृप पद क्यों दिया। पिता ने बोला था कि श्रावण में बहुत ये स्थिति होगी ये स्थिति होगी, बहुत जल थल शीत पवन, ये सब प्रकार की श्रावण के महीने में सभी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी, मतलब जल की भी थल की भी शीत की भी पवन की भी सब तरह की। तो भाई ऐसे में मुनि धर्म पालन नहीं हो पाएगा, 28 मूल गुणों का पंच महाव्रत का पालन नहीं हो पाएगा, तो देश व्रतों को अंगीकार करो।
तो बोल रहे हैं कि देखो उत्तर क्या दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि ये जो भी होगा ना, जल थल शीत ये पवन की जितनी भी होगी, भूख प्यास जो भी होगा, तो बोल रहे हैं ये सब तो पुद्गल की परछाई है, और परी से होने पे हम तो संन्यास को धारण करके भले ही मरण हो जाए लेकिन हम इन परिसाओं को सहन करेंगे, परिसाओं से डरेंगे नहीं। अब देखो अगले महीने की बात आती है भादों की। भादों में सुत उपजे रोग, आवे याद महल के भोग, जो प्रमाद बस आसन टले, तो न दया व्रत तुम से पले, जब दया व्रत नहीं पले, तब उपहास जग में विस्तरे, अरहंत और निर्ग्रंथ की कहो कौन फिर श्रद्धा करे, ताते करो मुनि दान पूजा, राज काज संभाल के, कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार के। ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न होंगे कि महल के भोग याद आ जाएंगे, इसलिए भाई क्या करो कि मुनिदान पूजा राजकाज भी संभालो, और जितनी हो सके अरहंत भगवान की, मतलब जितनी भी हो सके मुनिदान पूजा इसमें अपना वो लगाओ, वरना यदि व्रत ले लोगे और वो पलेंगे नहीं तो फिर उससे अरहंत और निर्ग्रंथ भगवान की श्रद्धा कौन करेगा, उससे तो उपहास ही होगा। अब देखो उत्तर क्या देते हैं। हम तज भोग चलेंगे साथ, मिटे रोग भव भव के तात, समता मंदिर में पग धरे, अनुभव अमृत सेवन करें, करें अनुभव पान आत्म ध्यान, वीणा कर धरे आलाप मेघ मलार सोहे, सप्तभंगी स्वर भरे, धग धग पखावज भोग को संतोष, मन में कर लिया तुमरी समझ, सोई समझ हमरी, हमें नृप पद क्यों दिया। अगले महीने की बात। आसुज भोग तजे नहीं जाए, भोगी जीवन को डसी खाई, मोह लहर जिय की सुध हरे, 11 गुण थानक चर गिरे, गिरे थानक 11वे से, आए मिथ्या भू परे, बिन भाव की थिरता जगत में, चतुर्गति के दुख भरे, रहे द्रविलिंगी जगत में, बिन ज्ञान और सुहार के, कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार की, विषय विरार पिता तन कसे, गिर कंदर निर्जर निर्जन वन बसे, महामंत्र को लखी पर भाव, भोग भुजंग न घाले घाव, घाले न भोग भुजंग तब क्यों मोह की लहरा चढ़े, परमाद तज परमात्मा प्रकाश जिन आगम पड़े, फिर काल लब्धि उद्योत होए, सो होई यो मन थिर किया, तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नृप पद क्यों दिया। या आसुज के महीने की दिक्कत बताई, और फिर भोग याद आएंगे, भोग तजे नहीं जाएंगे, भोगी जीवन की याद आएगी, क्या करोगे, मतलब इस तरह से वहां पे परीक्षा ली जा रही है, और वहां पे परीक्षा को पास कर रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं जो भी है ये सब तो मोह के चक्कर में हो रहे थे, अब जब मोह को हम दूर करेंगे, मोह से लड़ेंगे, तो फिर मतलब उत्तर देखो, आप उत्तर भी देखो, आप पिता भी किस प्रकार से प्रश्न ले रहे हैं, जैसा भी होगा काल लब्धि का विचार करेंगे, प्रमाद को दूर करेंगे, और मोह को दूर करने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे, इस तरह से उत्तर दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। कार्तिक में सुत करें विहार, कांटे काम कर चुभे अपार, मारे दुष्ट खेच के तीर, फाटे उर थर हरे शरीर, थर हरे सगरी देह अपने, हाथ काढ़त नहीं बने,
नहीं और काहू से कहे तब देह की थिरता हने। कोई खेच बांधे थंब से कोई खाए आत निकार के कुल आपने की रीति चालो राजनीति विचार के। उपसर्ग की बात करी पूरी। पद पद पुण्य धरा में चले काटे पाप सकल दल मले क्षमा ढाल तल धरे शरीर विफल करें दुष्ट जन के तीर कर दुष्ट जन के तीर निष्फल दया कुंजर पर चढ़े तुम संग समता खड़ग लेकर अस्त कर मन से लड़े धनी धन्य यह दिन वार प्रभु तुम योग का उद्यम किया तुमरी समझ सोई समझ हमरी हमें नृप पद क्यों दिया। अगु हनुमुनि तटनी तट रहे ग्रीष्म शैल शिखर दुख सहे उनि जब आवत पावस काल रहे साधु जन वन विकराल रहे वन विकराल में जहाँ सिंह श्याल सता वही कानों में बिच्छू बिल करे और व्याल तन लिपटा वही दे कष्ट प्रेत पिशाच आन अंगार पाथर डार के कुल आपने की रीति चालो राजनीति विचार की। हे प्रभु बहुत बार दुख सहे बिना के विली जाए न कहे शीत उष्ण नर कन के तात करत याद कंपे भव गात गात कंपे नरक से लहे शीत उष्ण अथाह ही जहाँ लाख योजन लोह पिंड सो हो जल गल जाए असि पत्र वन के दुख सहे पर वस स्वस तपना किया तुमरी समझ सोए समझ हमरी हमें नृप पद क्यों दिया। पिता ने उपसर्ग परिचय की बात करी। इस प्रकार के उपसर्ग होंगे इस प्रकार की परिचय होंगे ऐसी ऐसी शीत और उष्णता होगी। तो उन्होंने बोला कि पुत्र ने उत्तर दिया कि हे प्रभु हे पिताजी ऐसी शीत उष्ण की जितनी भी परेशानी ऐसी गर्म नरक में कितनी सहन की और उनको याद करते हो तो कप जाते हैं तो वो सब तो सहन कर ही ली तो और ऐसे ऐसे दुख सहे कि जो बिना केवली के कहे भी नहीं जा सके। तो पिताजी हमारी तो वही समझ है जैसी आपकी है आप हमें नृपद मतलब नृप मतलब राज्य पद ना दें हमको क्यों दे रहे हैं। आगे पौस अर्थ अरुले हो गयन चौरासी लख लख सुख कंद कोड़ी अठारह घोड़ा ले हूँ लाख कोड़ी हल चलत गिने हूँ ले हूँ हल लख कोड़ी सत खंड भूमि अरुणों ने थी बड़ी लो देश की ये विभूति हमरी राशि रत्नन की पड़ी धर देहु सिर पर छत तुमरे नगर धोखु चार के कुल आपने की रीति चालो राजनीति विचार के। अहो कृपा निधि तुम पर साध भोगे भोग सबे मर्याद अब न भोग की हम कुचाह भोगन में भूले शिवरा राह भूले मुक्ति के बहु बार सुरगति संचरे जहाँ कल्प वृक्ष सुगंध सुंदर अप्सरा मन को हरे उदीपी नहीं भया तिरपत ओस पी के दिन जिया तुमरी समझ सही समझ हम दी हमें नृप पद क्यों दिया। माग सधे न सुरन ते सोए भोग भूमियन ते नहीं होए हर हरे अरु प्रति हरि से वीर संयम
हेत धरे नहीं धी, संयम को धीरज नहीं धरे नहीं, तरे रण में युद्ध सु जो शत्रुगण गज राज कुदल मले पकर विरुद्ध सु, पुनि कोटि सिल मुद्दर समानी, देख फे दे ये फेक अपार के कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार के बंध योग धम नहीं करें, ए तो तात कर्म फल भरे, बांधे पूरब भव गति जिसी, भुगते जीव जगत में तिसी, जीव भुगते कर्म फल कहो कौन विधि, संयम धरे जिन बंद जैसा बांधियो, तैसा ही सुख दुख सो भरे, यो जान सबको बंध में निर्बंध का उद्यम किया, तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नृप पद क्यों दिया, फागुन चाले शीतल वायु, थर थर कंपे सबकी काय, तब ही बंध विदारण हार, त्यागे मूल महाव्रत सार, सार परिग्रह व्रत विसारे, अग्नि चहुं दिसि जा रही, करे मूल शीत वितीत, दुर्गति गहे हाथ पसार रही, सो होए प्रेत पिशाच भूत ऊत शुभ गति तार के, फुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार के, हे मतिवंत कहा तुम कही, प्रलय पवन की वेदन सही, धारी मक्ष कक्ष की काय, सहे दुख जल चर पर जाए, पाए पस पर जाए पर बस, रहे सींग बधाए के, जहाँ रोम रोम कंपे मरे, तंतर कर जहाँ रोम रोम कंपे मरे, तंतर काय के, फिर गेर चाम उमेर स्वान, सिच ना मिला सुनित पिया, तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नृप पद क्यों दिया, चैत लता मदनोदय होए, ऋतु बसंत में फूले सोए, तिनकी इष्ट गंध के जोर, जागे काम महाबल फोर, और बल को काम जाए, ले मन पुर छीन ही, फिर ज्ञान परम निधान हर के, करे तेरा तीन ही, इत के न उत के तब रहे गए, कुगति दो कर झार के, कुल आपने की रीति चालो, राजनीति विचार की। थोड़ी हिंदी आपको वैसे टफ लग रही होगी, लेकिन देखो यहाँ के इतने के नौते के कहीं के नहीं रहे, को गति में जाओगे, मतलब इस तरह की पूरी भाषा चल रही है। दो चार बार आप और पढ़ेंगे तो इसका भाव बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अभी समय की भी कमी है इसीलिए अभी हम पढ़ ही रहे हैं। ऋतु बसंत वन में नहीं रहे, भूमि पाषाण परी सह सहे, जहाँ नहीं हरित काय अंकुर, उड़त निरंतर अहनिसि धूर, उड़े वन की धूरी निस दिन, लगे कंकर आए के, सुन शब्द प्रेत प्रचंड के, काम जाए पलाए के, मत कहो अब कुछ और प्रभु भव, भोग से मन कापिया, तुमरी समझ सोई समझ हमरी, हमें नृप पद क्यों दिया, मन वैसाख सुनत अरदास, चक्री मन उपजो विश्वास, अब बोलन को नहीं ठोर, मैं कहूँ और पुत्र कहे और अब कछु मैं कहूँ नहीं, वीत जग की कीजिए,
एक बार हमसे राज लेके चाहे जिसको दीजिए। होता था एक सटवास का अभिषेक कर राजा कियो। पित संग संग जग जाल सेती निकस वन मारग लियो। उठे वज्र दंत चत्रेस तीस सहस भूप तज अलवेस। 1,000 पुत्र बड़ भाग 60 सहस सती जग त्याग। लोग इसमें कितने लोगों ने फिर दीक्षा ली। देखो वजदंत चक्रवर्ती 30,000 30,000 भूप मतलब 30,000 राजा, 1,000 पुत्र और 60,000 सतियों ने जग का त्याग किया अर्थात दीक्षा को ग्रहण किया, जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया। त्याग जग को ये चले सब भोग तज ममता हरि। संभाव करते हूँ लोक के जीवों से यो विनती करी। अहो जेते जीव जग में क्षमा हम पर कीजिए। हम जैन दीक्षा लेत है तुम बैर सब तज दीजिए। बैर सब से हम तजा अरहंत का शरणा लिया। श्री सिद्ध साधु की शरण सर्वज्ञ के मत चित दिया। यो भास पिहता स्व गुरु नडिंग जैन दीक्षा आदरी। कर लौच तज के सोच सबने ध्यान में दृढ़ता धरी। जेठ मास लूताती चले सूखे सर कपि गण मद गले। ग्रीष्म काल शिखर के शीस धरुआतापन योग मुनीस। धर योग आतापन सुगुरु तब शुक्ल ध्यान लगाइयो। लोक भान समान केवल ज्ञान तिन प्रगटाइयो। वज्रदंत मुनीस जग तज धर्म के सन्मुख भए। निज काज वर पर काज करके समय में शिवपुर गए। सम्यक वादि सुगुण आधार भय निरंजन निर्वाकार। आवागमन तिलांजलि दई सब जीवन की शुभ गति भई। भई शुभ गति सबन की निज शरण जिन पति की लई। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से परमार्थ की सिद्धि भई। जो पड़े 12 मास भावन भाई चित हुल साय के। तिनके हो मंगल नित नए अरु विघ्न जाए पलाय के। नित नित तब मंगल बड़े पड़े जो यह गुणमाल। सुरगन के सुख भोग कर पावे मोक्ष रसाल। 2,000 माही 73 घटाए अब विक्रम को संवत विचार के धरत हूँ। अगहन 80 त्रयोदशी मृग अंकवार अर्ध निशा माही आही पूर्ण करत हूँ। इति श्री वज्रदंत चक्रवर्ती को वृतांत रची के पवित्र नैन आनंद भरत हूँ। ज्ञानवंत कर शुद्ध जान मेरी बाल बुद्धि। दोष में नरोष करो पायन परत हूँ। दोष पे न रोष कर पायन परत हूँ। इस प्रकार से वज्रदंत चक्रवर्ती का बारे में हमने पढ़ा और आप भी इसको कम से कम भी 3-4 बार और पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से